सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। अपने बयानों के चलते सोशल मीडिया में अक्सर चर्चाओं में रहने वाले कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जानने को हर कोई उत्सुक है। लोगों के अंदर इस बात की जिज्ञासा है कि क्या जिस तरीके से सोशल मीडिया में उनके बारे में दिखाया जाता है, तो क्या वो सच है, और अगर सच है तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री ऐसा कैसे करते हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक विवादित बयान देकर बवाल मचा दिया था। दरअसल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के मंदिरों में साई की प्रतिमा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि जब सनातनी के पास पूजा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता हैं, तो चांद मियां को पूजने की जरूरत क्या है। विश्व में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान राम हैं, वे विश्व के पिता हैं। वे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम स्थित हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री भक्तों को लेकर ही बता देते हैं कि उन्हें क्या समस्या है। बागेश्वर धाम में रोजाना हजारों की तादाद में लोग दर्शन के लिए आते हैं, जहां पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए लंबी चौड़ी कतारें लगती और बाद में पंडित धीरेंद्र भक्तों से मिलकर एक पर्ची बनाते हैं जहां वो उनकी परेशानियों को लिख देते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये अंदाज लोग सोशल मीडिया में देखकर काफी हैरान है। दूसरे प्रदेशों से भी लोग बागेश्वर धाम को एक बार देखने आते हैं। बड़ी बात यह है कि बागेश्वर धाम में पंडित धीरेंद्र कृष्ण महाराज के अलावा हनुमान जी की मूर्ति भी काफी फेमस है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर सन्यासी बाबा का भी आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। हालांकि धीरेंद्र कृष्ण महाराज हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, अगर मैं नहीं भी मिल पाता हूँ, तो आप आए हनुमान जी की आंखों में देखें और उनसे बस इतना कहें कि आज से हम आपके और आप हमारे, और आपका काम हो जाएगा। आपको बता दें कि बिना एक रुपए की फीस लिए धीरेंद्र कृष्ण महाराज लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, साथ ही उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं। खबरी चौखट के लिए।